हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर एक न्यू डिजाइन तोरण लेकर के आए हैं और ये बनाने में एकदम इजी है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये पट्टी बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हमने ये ऐसे एक फंदा डाल लिया है और ये हमें 8 की चेन बना ली है। आप अपने गेट के हिसाब से कितनी भी बड़ी चेन बना सकते हैं। तो हमने ये 8 की चेन बना ली है, देखिए फ्रेंड्स ऐसे। फिर ये हम डबल क्रोशिया करके ऐसे ऐसे ये पीछे वाले होल में से निकाल लेंगे ऐसे। ये फिर उसी तरह से ये देखिए ऐसे, और ये इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया कर गए, हर होल में से निकाल लेना है ऐसे। और फ्रेंड्स, ये एकदम बनाने में इजी है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे आने वाले नए नए वीडियोस देखने के लिए। ये देखिए ऐसे, इसी तरह से हम ये पूरे को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। ये देखो, और फिर हम ये इसी उसी तरह से दूसरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। और इस तरह से एक क्रोशिये पर एक दो दो बार ऐसे ऊन लपेट ली है, और ये जो पीछे वाला होल में है उसमें से ऐसे थोड़ा ढीला धागा छोड़ करके ऐसे निकाल लेना है। देखिए ऐसे, फिर उसी तरह से देखिए ऐसे, और ये दूसरे को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो धागा है थोड़ा ढीला ही ढीला छोड़ना है जिससे कि इसका ये डिजाइन थोड़ा अच्छा आ जाए ऐसे। और इस पट्टी को हम देखिए ऐसे ही बना करके कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, और फ्रेंड्स ये एकदम इजी है बनाने में। देखो ऐसे, तो फ्रेंड्स हम ये पट्टी को इसी तरह से ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये पट्टी बन करके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, और ये देखिए कितनी अच्छी आई है, एकदम अच्छी है। अब हम ये दूसरे कलर की ऊन लेंगे और ये कॉर्नर पर रखकर यहाँ पर एक गांठ बांध लेंगे। देखिए ऐसे, और फिर हम ये एक होल में से डबल क्रोशिया करके 3 बार निकाल लेंगे ऐसे, और फिर एक सिंगल, और फिर अगले होल में से भी उसी तरह से डबल क्रोशिया करके ऐसे 3 बार निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे फ्रेंड्स, ये लेस लगानी हमने मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बनानी बताई हुई है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये ऊपर किनारे पर ये लेस लगा लेंगे। देखिए ऐसे, ये देखो, ये पूरे किनारे पर इसे लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए ऐसे, ये देखो फ्रेंड्स, हमने ये इस पट्टी पर ये ऐसे ये लेस लगा दी है। ये देखिए, अब हम इसे 3 बार इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखो ऐसे, और फ्रेंड्स हम इस पर एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बना करके बताएंगे। ये देखिए, 3 बार इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम ये डिजाइन बनाना बताएंगे आपको। सबसे पहले हम ये ऊन लेंगे और इधर से थोड़ा छोड़ देना है थोड़ी पट्टी को, और यहाँ पर ये गांठ बांध लेंगे ऐसे। अब इस तरह से क्रोशिया करेंगे और इसे थोड़ा ढीला करेंगे धागे को, और ये पूरे धागों को इस तरह से निकाल देना है ऐसे। फिर उसी तरह से उसी होल में से डबल क्रोशिया करके ऐसे, फिर अगले होल में से भी उसी तरह से डबल क्रोशिया करके निकाल लेना है। और फ्रेंड्स ये धागे को थोड़ा ढीला ही ढीला छोड़ना है, जिससे कि इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा आए ऐसे। फिर अगले होल में से भी इसी तरह से देखिए ऐसे, ये देखो, देखिए हमारा पहला राउंड ही इस तरह से कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम ये दूसरे कलर की ऊन लेंगे और इसे इसी तरह से ये जो ये डिजाइन बनाया है वही वाला डिजाइन बना देंगे ऐसे करके, ठीक इसी तरह से बनाना है डबल क्रोशिया करके। एक होल में से कम 3 बार निकाल लेना है ऐसे। ये देखिए ऐसे, और इस दूसरे राउंड को हम ये ऊन से कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही। और फ्रेंड्स ये बनाने में एकदम इजी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हो। ये देखिए ऐसे, और ये बन करके एकदम अच्छा दिखेगा, बहुत ही अच्छी तोरण बनेगी इसकी। ये देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा राउंड ये कलर की ऊन से ऐसे, और इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखो ऐसे, ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम ये ऊन लेंगे और यहाँ पर ये इसी तरह से यहाँ पर एक गांठ बांध लेंगे, और ऐसे 3 की चेन बनाकर ऐसे इसे 3 की चेन बना ली है, और यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है 2 बार डबल क्रोशिया करके। फिर हम 3 की चेन बनाएंगे ऐसे, और इसे यहां पर ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। अब हम ये 3 की चेन बना करके ये पूरे डिजाइन के चारों ओर ज्वाइंट करते करके कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही। देखिए ऐसे इसके चारों ओर, देखिए इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चारों ओर ये 3 3 की चेन लगा दी हैं। अब हम इसके जो ये 3 की चेन बनाई हैं इनके बीचों बीच अब के देखिए ऐसे, अब के हम इसमें 7 की चेन बनाएंगे ऐसे। और 7 की चेन बना करके जो हमने ये 3 की चेन बनाई हुई है इसके बीचों बीच इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे देखिए ऐसे।
सिंगल क्रोशियाई करके अब हम फिर सात की चेन बनाएंगे। फिर ये तीन की जो चेन बनाई हुई है यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ऐसे, इसी तरह से हम ये सात सात की चेन बना करके पूरी पट्टी पर, ये पूरे डिजाइन पर लगा देते हैं ऐसे ही। ये देखिए एक यहाँ पर देखो, ये देखिए इस तरह की हमें ये चेन बना करके लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरे इसको डिजाइन को बना करके कंप्लीट कर लिया है। और दो डिजाइन हम पीछे जो ये जगह छिकी है वहां पर बनाएंगे। अब हम इसमें ये फुंदना लगा देते हैं इस तरह से। चारों उंगलियों पर हमने कम से कम इसे 15-20 बार लपेट लिया है और इसे हम यहाँ से कट करेंगे और इसे बीचों बीच कट कर लेंगे इस तरह से। अब इन पूरे धागों को इस तरह से पकड़ के, जो ये हमने सात की चेन बनाई हुई है यहाँ पर, इसके बीचों बीच इस तरह से यहाँ पर डालेंगे और इसे थोड़ा टाइट बांध देंगे जिससे कि ये खुले नहीं ऐसे, और इसे इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स पूरे इस पर इसी तरह से फुंदने लगा लेंगे और यहाँ पर एक लंबी लटकन लगाना बताएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये सबसे पहले दो को सिंगल क्रोशिया कर लिया है ऐसे, और उसी होल में से इसे इस तरह से ढीला ढीला धागा छोड़ के ऐसे, देखिए ऐसे कम से भी कम 10 या 12 बार इस तरह से निकाल लेना है ऐसे। आप चाहे कम या ज्यादा बार भी निकाल सकते हैं इसके, आप मोटा भी बना सकते हैं इससे या थोड़ा पतला भी। इस तरह से हम फिर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और इस धागे को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे ऐसे, देखिए ऐसे। और इस पर हम ये इस तरह की दो लटकन लगाएंगे बनाएंगे और ये पांच डिजाइन डालेंगे इसमें ऐसे ही जो हम बना रहे हैं। ये देखो ऐसे, और ये तीसरे को भी हम इसी तरह से बना लेंगे जैसा हमने ये बनाया हुआ है। देखिए ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये पांच डिजाइन डाले हैं और ये दो लटकन बनाई हैं और ये दो फुंदने लगा दिए हैं और इसके ये चारों ओर ये फुंदने लगा दिए हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है एकदम इसका, और सुंदर भी लग रही है। देखिए हमने इस पर ये तीन डिजाइन डाले हैं इस पर, ये और ये दो लटकन यहाँ पर, ये दो यहाँ, और ये, और ये देखिए फैंस, हमारी ये तोरण बन करके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।